ये है ब्रह्मा का ब्रह्म सरोवर जिसके लिए आप लोग पुष्कर आए हैं। पूरी दुनिया के अंदर ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, लेकिन उसका कोई भी घर गृहस्थी परिवार वाला ना प्रसाद चढ़ा सकता है, ना पूजा कर सकता है, ना कोई दान पुण्य कर सकता है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण, ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी सावित्री माता की जगह यहाँ वेद माता गायत्री के साथ में यज्ञ किया, तो ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी की पत्नी ने श्राप दिया कि जो भी घर गृहस्थी परिवार वाला पुष्कर आएगा, आपके निमित्त फूल प्रसाद सिर्फ आपके सरोवर पे ही चढ़ाएगा, और जो साधु सन्यासी वैरागी लोग होंगे वो आपकी मंदिर मूर्ति की सेवा पूजा करेंगे। पहला कारण। दूसरा कारण, यहाँ जो मंदिर है वो खंडित प्रतिमा है। ब्रह्मा के पांच मुख थे, ब्रह्मा का पांचवा मुख शिवजी भगवान ने काट दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती माता को अपनी पत्नी समझ के गलत निगाह से देखा, वो मस्तक जाके गिरा बद्रीनाथ के आगे, जहाँ मस्तक गिरा उस जगह का नाम पड़ा ब्रह्म कपाली। इसके चार युग बने हैं, चार युग के चार तीर्थ स्थान बने हैं। पहला युग बना है सतयुग, सतयुग में बना है पुष्कर। त्रेता युग में बना है नेमिशरणम। द्वापर में बना है कुरुक्षेत्र महाभारत। अभी युग चल रहा है कलयुग, कलयुग के अंदर बना है गंगा हरिद्वार। पांच सरोवर बने हैं, बिंदु सरोवर, मान सरोवर, पंपा सरोवर, नारायण सरोवर। ये ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, जिनमें से अपन तीन देवता प्रमुख मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु भगवान का धाम है बोध गया बिहार। शिवजी भगवान का स्थान है काशी बनारस। ब्रह्मा जी का एकमात्र स्थान है पुष्कर। इससे जो भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, दो काम के लिए पुष्कर में आते हैं। पहला काम, नॉर्मली घूमने फिरने दर्शन यात्रा के लिए आते हैं। यहाँ 11 रुपये का पूजा का थाली मिलता है। अगर कोई अकेले आता है तो अकेले, जोड़े से आता है तो जोड़े से, बाल बच्चे फैमिली से आते हैं तो परिवार से। यहाँ ब्रह्मा सावित्री माता का अखंड सुभागवती घाट बना है, जहाँ पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए, घर की सुख शांति के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए, वंश वृद्धि के लिए जल किनारे बैठ के ब्रह्मा के जल रूप का पूजा करते हैं। और जैसा भगवान ने आपका घर बनाया, जो भी आप ब्रह्मा के नाम से दान देना चाहें, वो दान या गुरुवेन का चैरिटी है, वहाँ ब्रह्मा जी का भोग अपने श्रद्धा के अनुसार लगाते हैं। कोई चावल का फीका भोग देता है, कोई लड्डू का मीठा भोग देता है, कोई खीर पूड़ी का भोग देता है, कोई 56 भोग देता है, कोई ध्वजा भोग देता है, जैसा जिसका सामर्थ्य होता है। दूसरा काम, अगर अपने परिवार में कोई गुजर जाता है तो उनका अस्थि राख यहाँ विसर्जित करने के लिए आते हैं, क्योंकि राजा रामचंद्र जी ने अपने पिताजी का पिंडदान यहाँ बालू मिट्टी से बना के किया था, तब जाके उनका मोक्ष हुआ। अगर कोई पिंडदान करना चाहे उसमें 1 घंटे का समय लगता है, समय नहीं होता है। अपने कोई पूर्वज गुजर गए हैं, उनकी मोक्ष शांति के लिए यहाँ अपने पूर्वजों को जल जरूर पिलाते हैं। इसलिए यहाँ पुष्कर मेला भरता है, जो कार्तिक के महीने में एकादशी आता है, देव उठनी 11 से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन का यहाँ मेला भरता है। इसलिए जिन दिन की मनोकामना यहाँ पूरी हुई, उनको ये मनोकामना बाबा घाट बने जल के पीछे। 1000 मंदिर है, लेकिन किसी भी मंदिर में, किसी भी घर में ब्रह्मा के नाम से फूल प्रसाद पूजा अर्चना न कोई कर सकता है, न कोई करवा सकता है। इसलिए नीचे में संस्था चैरिटी के ब्राह्मण होते हैं, जो ब्रह्मा जी के जल रूप का सेवा पूजा अर्चना करवाते हैं। ब्राह्मण को जो दक्षिणा देना चाहें आप उनको दक्षिणा दे सकते हैं, और जो ब्रह्मा जी का भोग देना चाहें वो भोग गोरवेन का चैरिटी है, वहाँ दिया जाता है। वहाँ पे आप दान कैश भी दे सकते हैं, कार्ड से भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। 5 उंगली है, 5ों समान नहीं होता है। मंदिर की स्थापना कलयुग में आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा की गई है। इसलिए जो साधु सन्यासी लोग होते हैं वही मंदिर की पूजा करते हैं। बोलो जय पुष्कर राज की। और कोई बात आप मेरे से पूछ